हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं। टॉपिक का नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहला क्वेश्चन भैया, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला बेटा है। ये भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, यानी कि भारत के अंदर साहित्य के क्षेत्र में। मैंने कल भी आपको पढ़ाया था सरस्वती सम्मान, है ना, आज पढ़ा रहा हूं ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये भी उससे मिलता जुलता है। किस तरीके से? पहला क्वेश्चन मैंने कल आपको पढ़ाया था, सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। कब से स्टार्ट हुआ था? मैंने बताया था 91 बार प्रणाम करेंगे माता को, 1991। ऐसे ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ? 1965 से। इसके शुरुआत करने का श्रेय जाता है शांति प्रसाद जैन को, ठीक है। इसके जनक कहे जाते हैं शांति प्रसाद जैन, शांति प्रसाद जैन, शांति प्रसाद जैन, शांति प्रसाद जैन, शांति प्रसाद जैन इसके जनक कहे जाते हैं। अच्छा भैया जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के साहित्य में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, यानी कि भारत के अंदर साहित्य के क्षेत्र में इससे बड़ा पुरस्कार कोई नहीं है। 11 लाख इनामी राशि दी जाती है, एक प्रस्तुति पत्र दिया जाता है, वाग देवी जी की कांस्य की बनी हुई एक मूर्ति दी जाती है इसके सम्मान में। क्या क्या दिया जाता है? प्रस्तुति पत्र, 11 लाख रुपए इनामी राशि और वाग देवी जी की एक मूर्ति कांस्य की बनी हुई, है ना। अच्छा भैया जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे आपको मैंने कल बताया था, सरस्वती सम्मान हमारी अनुसूची 8, संविधान की जो अनुसूची 8 है उसमें 22 भाषाएं वर्णित है, उनमें से आप किसी में भी अच्छा करो तो ये सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार में बिल्कुल सेम ये है, लेकिन एक नई चीज और जुड़ गई है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी भारतीय अनुसूची की, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाएं वर्णित है, उन 22 की 22 भाषाओं के लिए कोई सी भी भाषा पे आप काम करोगे मिलेगा। उन 22 भाषाओं में से मैंने केवल हिंदी वाले आपके सामने लिए हैं। सरस्वती सम्मान में भी कल हिंदी वाले लिए थे, आज ज्ञानपीठ में भी जिन्होंने हिंदी में अच्छा करा उनको ले रहा हूं, बाकी मलयालम तमिल फमिल ये सब छोड़ दिए। अच्छा भैया, 22 भाषाओं के साथ एक और बात मुझे बतानी है, 2018 से अंग्रेजी को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अगर आपसे पूछ ले अंग्रेजी को कब से शामिल करा गया है, 2018 से। अंग्रेजी को कब से शामिल करा गया? 2018 से। भैया हिंदी हिंदी की बात करते हैं पहले, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है बेटा। क्या ट्रिक बनाई है? राम जी के जितने भी सच्चे मित्र हैं, राम जी के जितने भी सच्चे मित्र हैं सब कुवारे रह जाएंगे, सब कुवारे रह जाएंगे, चाहे वो नरेश ही क्यों ना हो, चाहे वो नरेश, नरेश राजा को कहते हैं ना, चाहे कहीं के नरेश ही क्यों ना हो फिर भी क्या रह जाएंगे, कुवारे। फिर दोबारा सुनो बेटा, ये सारे 10 के 10 नाम याद हो जाएंगे जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। अच्छा भैया इनकी रचना तो बताओ, रचना 3 ही याद करनी है, 3 से 4, डरने की जरूरत नहीं है, थमो अभी। इसकी भी बेहतरीन ट्रिक है, और ट्रिक क्या सच्चाई भी वही है, अभी आगे बात करेंगे, रुक जाओ अभी जरा, ठीक है। देखो जरा बेटा, अभी मेरे प्यारे बच्चों, पहले इन 10 के नाम याद करते हैं किनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, क्योंकि वो ये भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किसको नहीं मिला, कब मिला या किस चीज के लिए मिला। आगे देखो बेटा जरा, राम जी के जितने भी सच्चे मित्र हैं, राम जी के जितने भी सच्चे मित्र हैं, राम जी के जितने भी सच्चे मित्र हैं सब कुवारे रह जाओगे, सब रह जाओगे कुवारे, सब रह जाओगे कुवारे, चाहे नरेश ही क्यों ना हो तुम, चाहे कहीं के नरेश ही क्यों ना हो। तो राम जी से क्या बन गया बेटा, देखो जरा, रामधारी सिंह दिनकर, राम जी से रामधारी सिंह दिनकर, राम जी के जितने भी सच्चे मित्र हैं सच्चे से बन गया क्या बेटा, सच्चिदानंद हरियानंद हीरानंद अगे, सच्चिदानंद हीरानंद अगे, ठीक है। राम जी के जितने भी सच्चे मित्र हैं, मित्र से क्या बन गया देखो जरा, सुमित्रा, सुमित्र, सुमित्र, सुमित्रा नंदन पंथ, सुमित्रा नंदन पंथ। राम जी के जितने भी सच्चे मित्र हैं, राम से क्या बन गया, रामधारी सिंह दिनकर, राम से बना रामधारी सिंह दिनकर, राम जी के जितने भी सच्चे मित्र हैं, सच्चे से बना सच्चिदानंद, सच्चे से बना सच्चिदानंद, सच्चे से बना सच्चिदानंद, जितने मित्र हैं, मित्र से बना सुमित्रा, मित्र, सुमित्र, सुमित्र, सुमित्रानंदन पंथ, सुमित्रानंदन पंथ।
सच्चे मित्र हैं, सब रह जाएंगे कुवारे। कुवारे समझना कुवर, कुवारे समझना कुवर, कुवारे से कुवर, चाहे आप कहीं के नरेश ही क्यों ना हो। नरेश समझना नरेश मेहता, नरेश समझना नरेश मेहता। अच्छा जी, इससे बचे कैसे भैया? या तो देवी की पूजा कर लो, या तो देवी की, महादेवी वर्मा, या तो देवी की पूजा कर लो, या तो देवी की पूजा कर लो, या अमर होने के लिए कृष्ण जी के दर पे चले जाओ, या अमर होने के लिए अमरकांत, या अमर होने के लिए कृष्ण जी के दर पे चले जाओ, कृष्ण के दर पे, कृष्ण के दर पे, कृष्ण से कृष्णा सोपती, कृष्ण से कृष्णा सोपती के दर पे चले जाओ, केदर से केदारनाथ, केदर से केदारनाथ। स्त्री को चार पांच बार बोलो, ये सारे नाम याद हो जाएंगे। राम जी के जितने भी सच्चे मित्र हैं सब कुवारे रह जाएंगे, चाहे नरेश ही क्यों ना हो। इससे बचने का एक उपाय है, देवी की पूजा कर लो, देवी की पूजा कर लो, या अमर होने के लिए कृष्ण जी के दर पे चले जाओ, या अमर होने के लिए कृष्ण जी के दर पे चले जाओ। ये ट्रिक बोलो, दस के दस नाम याद हो जाएंगे। कैसे? राम से रामधारी सिंह दिनकर, सच्चे से सच्चिदानंद सिन्हा, मित्र से, मित्र से बताया सुमित्र, सुमित्र सुमित्रानंदन पंत, कुवारे से कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर नारायण सिंह, नरेश से नरेश मेहता, देवी से महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, अमर से अमरकांत, अमर से अमरकांत, कृष्ण से कृष्णा सोपती, केदार से केदारनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ। ये दस के दस व्यक्ति होंगे जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। अच्छा भैया जी, एक खास बात और बताऊं, 1982 से पहले ये किसी एक कीर्ति के लिए मिलता था, किसी एक कीर्ति मतलब कोई एक अच्छी कोई रचना आपने लिख दी है उस किताब के लिए मिलेगा, लेकिन 1982 के बाद आपने पूरे पूरे जीवन में कैसी किताबें लिखी है, कैसी साहित्य लिखा है उसके ऊपर मिलता है। तो जरा 1982 के बाद देखो, कोई किताब याद ही नहीं करनी, क्यों? संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण साहित्य। अरे जब सारा ही साहित्य है 1982 के बाद, तो याद ही क्या करना है, 1982 से पहले के याद करो ना, 1982 या इससे पहले के याद करो, 1982 के बाद जितने भी मिले हैं संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण साहित्य। अच्छा भैया जी, तो 1982 से पहले की किताब याद करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, महादेवी, देवी, देवी के दर्शन के लिए यामा गाड़ी पे जाएंगे, देवी के दर्शन को यामा गाड़ी पे जाएंगे, देवी के दर्शन को यामा गाड़ी पे जाएंगे, देवी के दर्शन को यामा गाड़ी पे जाएंगे। सच्चे मित्र क्या करते हैं? सच्चे सच्चे लोग कितनी नावों में कितनी बार बैठा हूं, सच्चों के साथ तो मैं कितनी बार नाव में बैठा हूं, झूठों के साथ ना बैठता, कभी नाव डूब जा, सच्चिदानंद, सच्चों के साथ तो बैठ जाऊंगा नाव में, कितनी नावों में कितनी बार बैठा हूं सच्चों के साथ, झूठों के साथ ना बैठू, कभी नाव डूब जा इनकी, कभी झूठों की नाव डूब जा। रामधारी सिंह दिनकर, राम जी को किसने धारण कर लिया? उर्वशी ने। राम जी को रामधारी, राम को किसने धारण करा? उर्वशी ने। अरे राम को धर लिया उर्वशी ने, राम धर लिए उर्वशी ने, राम धर लिए उर्वशी ने। सच्चों के साथ कितनी नावों में कितनी बार बैठा, कितनी सच्चों के साथ कितनी नावों में कितनी बार बैठा। महादेवी वर्मा, महादेवी, देवी के दर्शन करने जाएंगे यामा गाड़ी में, राम जी धर लिए उर्वशी ने, राम जी धर लिए उर्वशी ने। सुमित्रानंद, मित्र की नंद को क्या कर दिया भैया? बरा, चित बरा, चित बजाया, बिल्कुल चित कर दिया। किसको? मित्र की नंद को चित कर दिया, बहुत लड़क रही मेरी मित्र की जो नंदी, मेरी मित्र से बहुत लड़क रही, मैंने कर दिया चिदंबरा, चिदंबरा, चित कर दिया, बिल्कुल बरी कर दिया, चित कर दिया, बिल्कुल बरी कर दिया। भैया इनके नाम याद हो गए, इनकी रचनाएं याद हो गई, सन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ बेटा, इस पर भी ध्यान देंगे भैया। देखो बेटा, खास खास के तो बिल्कुल ही रटने पड़ेंगे, सारे रट लो तो अच्छी बात है। सबसे पहला मिला सुमित्रानंदन पंत जी को, देखो स्टार्ट हुआ 65 में, लेकिन हिंदी के लिए कब पहली बार मिला? चौथा पुरस्कार जो मिला था वो हिंदी के लिए था, हिंदी में पहला और ओवरऑल में चौथे नंबर पर सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था 1968 में। 65 से स्टार्ट हुए तो हिंदी में पहला कब मिला? 65 छोड़ दो, 66 छोड़ दो, 67 छोड़ दो, 68 में, चार साल बाद चौथे नंबर का मिला हिंदी में, चौथे नंबर का, 65 से स्टार्ट हुए तो 68 का। अच्छा सबसे लेटेस्ट कब मिला? 2017, सबसे लेटेस्ट 2017, सबसे लेटेस्ट 2017 कृष्ण भगवान को मिला संपूर्ण साहित्य के लिए, कृष्णा सोपती, कृष्ण भगवान को मिला सबसे लास्ट में 2017 में। कृष्ण भगवान से पहले, कृष्ण भगवान से पहले भैया चार साल पहले के दर पे, कृष्ण भगवान के दर पे आया चार साल पहले, ठीक है, कृष्ण भगवान को 2017 में, कृष्ण भगवान को 2017 पे,
ठीक है 2017 पहला याद हो गया भैया, चार साल बाद स्टार्ट हुआ 65 में, चार साल बाद हिंदी में मिला, और सबसे लेटेस्ट 2017 में, कृष्ण भगवान को 2017 में। आगे चलते हैं भैया, नरेश जो राजा बना भैया 92 साल की उम्र में, राजा कितनी साल की उम्र में बना, 92 साल की उम्र में, 1992 में मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार 92, ठीक है। तो नरेश को ज्ञान कब आया, ज्ञानपीठ पुरस्कार 92 साल की उम्र में, नरेश को ज्ञान आया 92 साल की उम्र में, 92 साल की उम्र में देवी के दर्शन, भैया देवी के 82 बार दर्शन करेंगे जब ज्ञान आएगा। नरेश को ज्ञान कब आया, 92 साल की उम्र में, नरेश जब 92 साल का बना जब, तो राजा किसको बनाओगे भैया, 92 साल के बुढ़े को, जब तो ज्ञान आएगा, देवी, देवी के दर्शन करने पड़ेंगे 82 बार, देवी के दर्शन 82 बार, देवी के दर्शन 82 बार, 82 बार देवी के दर्शन 82 बार, ठीक है जी। 17 याद हो गया और एक पहला 1968 याद हो गया, इन्हें छोड़ो, देवी के दर्शन कितनी बार, 82 बार देवी के दर्शन 82 बार। नरेश बनेगा 92 साल का बुढ़ा जब ही उसे ज्ञान आएगा। निर्मल वर्मा, निर्मल भैया, निर्मल सेंचुरी मार देता अगर एक और ज्ञान मिल जाता उसे, निर्मल सेंचुरी मार देता एक ज्ञान और, बस एक ही ज्ञान की कमी रहेगी, सेंचुरी मार देता नहीं, 99 पे आउट हो गया निर्मल, सेंचुरी मार देता ज्ञान मिल जाता उसे। निर्मल कितने पे आउट हो गया 99 पे, निर्मल कितने पे आउट होगा 99 पे, अरे भैया निर्मल 99 पे आउट होगा नहीं, ज्ञान मिल जाता उसे, देवी के दर्शन 82 बार करेंगे, नरेश बनेंगे 92 साल की उम्र में, कृष्ण भगवान को 2017 में ज्ञान आया। अब पहला पहला कौन सा बेटा मित्र को, है ना, सुमित्रा नंदन पंत, उन्हें मिला 1968 में, चार साल बाद 65 के। अच्छा भैया जी ये याद हो गए, याद हो गए, पांच जने कुवारे हैं, पांच जने कुवारे हैं, ज्ञान की बात बताऊं, ज्ञान की, पांच जने कुवारे हैं, पांच जने कुवारे हैं, नौ जने अमर हो गए, नौ जने ज्ञान लेके अमर हो गए, पांच जने कुवारे हैं, ज्ञान की बात सुनो, पांच जने कुवारे हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बता रहा हूं, ज्ञान की बात सुनो, पांच जने कुवारे हैं, पांच जने कुवारे हैं, अमर हो गए नौ जने, अमर हो गए नौ जने, अमर हो गए नौ जने, दर पे कितने आए 13, ज्ञान लेने तुम्हारे दर पे भैया, गौरव भैया कितने जने आए ज्ञान लेने, 13 जने आए 13, कितने जने आए 13, ज्ञान लेने 13 जने आए, ज्ञान लेने 2013 जने, 2013 अमर हो गए नौ जने, अमर हो गए नौ जने, देवी के दर्शन 82 बार, देवी के दर्शन 82 बार, कृष्ण भगवान को 2017 में, कृष्ण भगवान को 2017 में, अमर हो गए कितने नौ जने, अमर हो गए नौ जने, अमर हो गए नौ जने, भैया गौरव भैया तुम्हारे दर पे कितने जने आए 13 जने आए, ज्ञान लेने कुवारे हैं पांच, ज्ञान की बात बताओ कुवारे हैं पांच, कुवारे हैं पांच, निर्मल की सेंचुरी होने में एक कम रहेगा नहीं ज्ञान आ जाता, एक कम रह गया, नरेश 92 साल का बुढ़ा बनेगा, नरेश 92 साल का बुढ़ा हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अच्छा जी ऊपर वाला हो गया, दो रह गए, राम जी को धर लिया उर्वशी ने, राम जी को धर लिया उर्वशी ने, राम जी को धर लिया उर्वशी ने, भाई पूजा करने के लिए धरा, पूजा ही तो करेंगे, कहा भैया हम इतने सच्चे मन से पूजा नहीं कर पाए, उर्वशी ज्यादा कर रही है, उर्वशी इतना भैया दिन में 72 घंटे, अरे दिन में तो 24 घंटों में ना भैया, उर्वशी ने तो 72 घंटे राम जी को धरा मन में, राम जी को मन में कितने घंटे घंटे धरा उर्वशी ने, 72 घंटे धरा भैया, कितने घंटे 72, सच कितनी बार बोलोगे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, 78 बार सच बोलेंगे, 78 बार सच बोलेंगे, 78 बार क्या सच बोलेंगे भैया, सच बोलने वालों के साथ नाव में गए 78 बार, सच बोलने वालों के साथ नाव में गए 78 बार, देवी, देवी के दर्शन करे यामा गाड़ी पे 82 बार, 82 बार कितने यामा 82 बार, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूं ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, बेहतरीन मैंने सनवन सब याद करवा दिए बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनसे भी कहें कि भैया की वीडियो को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद बेटा।